इस बीच 16 नवंबर को उद्धव और शिंदे गुट के नेता आपस में ही भिड़ गए। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शाम को बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे थे। यहां नारेबाजी के दौरान दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई। आपको बता दें कि 17 नवंबर को बाला साहेब की 11वीं पुण्यतिथि है। जानकारी के अनुसार सीएम शिंदे के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि शिवसेना उनकी पार्टी है। इसी बात से नाराज उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने गद्दारों वापस जाओ के नारे लगाए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। मामले में मुख्यमंत्री शिंदे का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो इसीलिए मैं एक दिन पहले ही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं घटना की निंदा करता हूं। उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई और अनिल परब मेरे जाने के बाद पार्क गए। उन्होंने मेरे खिलाफ नारेबाजी की, शांति को भंग करने का प्रयास किया, ये निंदनीय है। शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने बताया, पिछली बार की तरह ही सीएम शिंदे ने एक दिन पहले ही बाला साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। देसाई और परब के आने से पहले तक वहाँ शांति थी, लेकिन उनके आते ही शांति भंग की गई। जानबूझकर उन्होंने झड़प की कोशिश की। बाला साहेब सभी के हैं, सब उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बाला साहेब के विचारों का पालन करना ही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।